अरे तुझे पता भी इसमें नुकसान होएगा, टैंक का ढक्कन टूट गया बोले तो। बता इस पे गिरा वाला, इस तो बढ़िया तो तेरे सिर पे गिर जाता, ये फूट जाता चाहे। अरे यार क्या बताऊं यार, सुबह इतने मोटे मोटे ओले गिरे हमारे, तो टैंक का ढक्कन भी टूट गया यार। यार तू एक काम कर, 50 रुपए गिर दे मेरे फोन पे, मैं मजा आकर ढक्कन ले आऊंगा यार, गिर दे भी। पक्का सा बम्बागड़ा खोला ओले न। ये क्या कर रहे हो तुम टैग में? जब भी ऊपर आके देखूंगी टैग में पड़े रहो, और भी कुछ काम लाया नहीं। अरे तुझे पता भी इसमें नुकसान होएगा, टैग का ढक्कन टूट गया बोले तो। बता इस पे गिरा वाला, इस तो बढ़िया तो तेरे सिर पे गिर जाता, ये फूट जाता चाहे। देख जाते तो बोल लेना। अरे मेरे आराम से बात सुन ले, अभी ना तेरे मम्मू के लुंडे का फोन आया और वे आज हमारे आ रहे। अरे देख तुझे तो पता हमारे खट्टा है नहीं, एक ही बेड है, उस पर हम दोनों सोवे। अगर हमने उन्हें नीचे पड़ा दिया ना, तो हमें सारे रिश्तेदारों में जलील कर देंगे, कि उनका तो खट्टा भी नहीं, हमें नीचे सुवाया। अरे एक काम कर ले, मोहल्ले में से एक आधी खाट मांग ले। खाट? चल मैं ला रहा हूँ, ठीक कह रही तू। भाई मैं तो भांजी मारू हाँ। जिस टाइम मेरे भाई का रिश्ता आया था बड़े बड़े घरों पे, उन्होंने एकदम भांजी मार दी थी, तो मैं क्यों ना भांजी मारू, मैं होने दूंगा रिश्ता। पता क्या क्या कहा, इसका भाई दारू पिए, वो तो भांग पिए, वो तो चरस पिए, ऐसी कोई कमी नहीं है जो उन्होंने नहीं बताई। उसे क्या जरूरत थी बताने की? अरे भाई जले फोन दे रहा का कोई रिश्ता, घोर तो और मेरे बाप को भी नहीं छोड़ रहा यार, इसका बाप तो सारा दिन ताश खेल रहा है, वो भी नहीं कमाता। ऐसी ऐसी भांजी मारी तो मैं बता भी नहीं सकता उस्ताद, मैं भी लगा वा फोन नहीं देने का रिश्ता, भांजी को भांजी मारता रहूंगा, चाहे मेरे भी घर का घेर बन जा। घर का घेर? ओ भाई चावल, ये तो पहले से घर का घेर बना हुआ। अरे मेरा मतलब है चाहे इससे भी परे हो जा यार, खत्म हो जा, पड़े हो जाओ खत्म, लेकिन रिश्ता नहीं होने देने का, रिश्ता नहीं होने देगा। कौन आ गया देखूं एक मिनट में, है कोई? बैठे रहो तो मैं। वकील भाई तू क्या बात? अरे यार क्या बताऊं चावल, तुझे घर में कुछ मेहमान से आएंगे यार। तेरे भाई के रिश्ते वाले आ गए क्या? क्यों तो भांजी मारा था बस, ताज में क्यों भांजी मारता, मैं तो पूछ रहा। चल खैर तू बात बता। अरे यार मैं तो मामू के 2-3 लौंडे आए, अरे घर में खाट की कमी पड़गी, मैं तो सोच रहा यार तेरे घर में तो एक आधी खाट मिल जाए अगर तू दे दे। यार देख वकील, खाट तो मैं तुझे दे देता, लेकिन भाई हमारे 2 ही खाट है, एक पे तो मैं और मेरा बाबा पड़े है, और भाई एक खाट पे मेरी माँ और मेरी घरवाली पड़े है। बस ठीक, एक कर चल रहा काम, एक पे तू और तेरा बाबा पड़े है, एक खाट पे तेरी घरवाली और तेरी माँ पड़े है। तो भाई चावल तू मुझे खाट दे या ना दे, लेकिन ये जो थारा पढ़ने का तरीका ना, इसे सुधार ले। योरे काल तो मुझे चलाना दे, आया चला दे जा अपने घर। अरे खाला ये बात बताऊं तुझे, आजकल के डॉक्टर बस हाइक करके ही आदमी को लपेट कर रखा, पैसा उतारो जा, बढ़िया दवाई थोड़ा ही दे, लारा लगा कर रखा है बस, अगे फेरा हो जाएगा दवाई खाओ जाएगा। खाला तू बोलने क्यों नहीं? अच्छा इसके बाद बोल लगे। हेलो वकील बोल रहा का तू? हाँ वकील बोल रहा भाई। घर में सब ठीक ठाक भी? हाँ ठीक है भाई सब ठीक है। हर काम को कैसा चल रहा तेरा? काम भी बढ़िया चल रहा, मैं तो यार आज छुट्टी मार कर खल्ला के धोरा आया था। खल्ला के धोरा? अरे वहाँ हॉस्पिटल में तो आ गई। हाँ एक इसकी तबीयत खराब हो रही थी ना, उसे तो देखना था मैं। मुझे तो मैंने बताया खल्ला की तबीयत खराब चल रही। हाँ बहुत खराब हो रही थी, बस छुट्टी मिल गई, खैर भाई उम्मीद भी थी बचने के, बच गया। तो बता रही थी माँ तो मुझे रात चावल, खल्ला तो तेरी बहुत ठीक होगी। अच्छा भाई यार तू खल्ला से मेरी बात करवा। ठीक है मैं करवा रहा, ले खल्ला चावल का फोन ना बात कर ले। हेलो हेलो मैं खल्ला क्यों नहीं बोल रही?
वो भाई खाला तो निमट ली इंशाल्लाह। हाँ मर ली तेरी आवाज सुनकर खाला।